कार, बाइक या मोपेड के टायर में कितना प्रेशर होना चाहिए ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि कार के डोर पैनल पे, बाइक के चेन कवर पे और मोपेड के फ्रंट में ये चीज मेंशन होती है। ये तो सब लोग जानते हैं कि टायर में अगर प्रॉपर प्रेशर ना हो तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट टायर के साथ साथ माइलेज पर भी पड़ता है, इसीलिए इस बात का ख्याल तो सब लोग रखते हैं। वैसे भी पेट्रोल और डीजल के दाम तो आसमान छू रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हमें सर्दी और गर्मियों के मौसम में भी स्टिकर पर दिए गए सेट पॉइंट जितना ही टायर प्रेशर मेंटेन करना चाहिए? अरे कहना क्या चाहते हो, रुको जरा, सबर करो। अरे भाई बता रहा हूँ, इसी की डिटेल में बात करने के लिए ही तो हम आज का ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए फिर फटाफट से, बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। टायर में हर चीज मेंशन होती है, जैसे इसका साइज क्या है, ये कब मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, इसमें मैक्सिमम लोड कैपेसिटी की लिमिट क्या है, इसकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्या है और इसकी मैक्सिमम प्रेशर लिमिट क्या है। ये सब बातों में से दो बातें हमें खास ध्यान में रखनी है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्या है और इसका मैक्सिमम प्रेशर लिमिट क्या है, क्योंकि जैसे जैसे कार की स्पीड बढ़ती है टायर का रोटेशन बढ़ता है, फ्रिक्शन बढ़ता है जिससे हीट जनरेट होती है और उसकी वजह से टायर के अंदर का प्रेशर भी बढ़ता है। नॉर्मली कोई भी व्हीकल का रेकमेंडेड टायर प्रेशर सेट पॉइंट पर्टिकुलरली वहां के एवरेज वेदर कंडीशन के हिसाब से तय किया जाता है, और इंडिया में एवरेज वेदर कंडीशन थ्रू आउट द ईयर 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ता है या कम होता है तो उसके साथ साथ टायर प्रेशर भी 1.5 से 2.5 PSI तक बढ़ता है या कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर का टेम्परेचर 35 डिग्री है और वहां पर आपके कार के टायर का प्रेशर 35 PSI है। अब आप वहां से किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां का टेम्परेचर 15 डिग्री है, मतलब कि मौसम में 20 डिग्री टेम्परेचर का फर्क है, तो वहां पर आपके टायर का प्रेशर 4 से 5 PSI कम हो जाएगा। और गर्मियों के दिनों में तो ये और भी रिस्की साबित होता है, क्योंकि वैसे भी टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री बढ़ा हुआ रहता है और उसका इफेक्ट रोड पर भी पड़ता है, फ्रिक्शन पे भी पड़ता है, और जैसे जैसे स्पीड से आपकी कार चलती है तो फ्रिक्शन की वजह से हीट बढ़ती है और अंदर के टायर का टेम्परेचर और भी बढ़ता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके टायर के प्रेशर लिमिट से वो प्रेशर बढ़ जाए और आपका टायर ब्लास्ट हो जाए। तो इसीलिए ज्यादा सर्दी के दिनों में टायर प्रेशर 4 से 5 PSI ज्यादा रखिए और ज्यादा गर्मियों के दिनों में टायर प्रेशर 4 से 5 PSI कम रखिए। और ये चीज नॉर्मली 40 से 45 किलोमीटर डेली कार चलाने वाले लोगों के लिए रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप अपना टायर प्रेशर चेक जरूर कीजिए। लेकिन ये उन लोगों के लिए ज्यादा रेकमेंडेड है जो अपनी कार को 150 या 200 किलोमीटर से ज्यादा चलाते हैं और कहीं ना कहीं लॉन्ग ट्रिप के लिए अगर जा रहे हैं तो। 1-2 PSI प्रेशर कम होने से भी माइलेज पे इफेक्ट तो होता ही है, लेकिन साथ में राइड क्वालिटी को भी वो इफेक्ट करता है, चाहे आपके सस्पेंशन कितने भी अच्छे क्यों ना हो। तो इसीलिए टायर में प्रॉपर प्रेशर को मेंटेन कीजिए ताकि आपको माइलेज पूरा मिले। तो ऐसे ही कार रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर अवर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।